दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल पहले देखा है तो आपको पता होगा कि मैं चाइना के होलसेल मार्केट के बारे में और फैक्ट्रीज के बारे में वीडियो बनाता हूं। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं चाइना के शांताओ नाम के एक शहर में, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं खिलौने बनाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में, शांताओ में, दुनिया के 70% खिलौने बनते हैं। 70% ऑफ वर्ल्ड टॉयज आर मेड इन शांताओ। शांताओ शहर की आबादी है 50 लाख, और यहाँ पे 12,000 से भी ज़्यादा छोटी और बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि सिर्फ खिलौने बनाती हैं। अगर आप शांताओ आते हैं तो 3-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रुकेंगे। इस 1 हफ्ते के अंदर ये तो मुमकिन नहीं कि आप सारी फैक्ट्रियाँ या सारे सप्लायर्स को मिल सकें, पर आपका मकसद यहाँ आने का ये है कि आप सस्ते में सस्ते और अच्छे में अच्छे खिलौने खरीद सकें। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका टाइम भी कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने जो बनाने वाले हैं या सप्लायर्स हैं इनसे मिल सके, ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए आपको जाना होगा शांताओ में बने हुए टॉय शोरूम में। और ऐसे ही एक शोरूम में मैं आपको लेके चलूंगा, कल सुबह चलते हैं और देखते हैं ये टॉय शोरूम कैसे होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ CBH टॉय शोरूम में, और आपको दिखाता हूँ कि शांताओ में टॉयज आप कैसे खरीद सकते हैं, ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है, ताकि अगर आप शांताओ आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप जैसे ही शोरूम में अंदर एंटर होते हैं तो आपको आपका नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, और यहाँ का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपके साथ में कोई लोकल कंपनी या लोकल एजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने सप्लायर्स को यहाँ पे मिलेंगे, उन सब सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वो पूरा कंटेनर बनाने के लिए आपको लोकल आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई लोकल आदमी या एजेंट नहीं है तो बहुत सारे शोरूम ऐसे हैं जो कि मना कर देते हैं, वो आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो आप याद रखिए, आपके साथ एक लोकल आदमी या लोकल एजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस शोरूम में आने वाले हर कस्टमर को एक सेपरेट कमरा दिया जाता है, जो कि आपका उस दिन के लिए मानो कि ऑफिस बन गया। आप उस कमरे में बैठ के आप अपना इंटरनेट खोल के ईमेल वगैरह चेक कर सकते हैं, बैठ के सैंपल्स चेक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। तो हर कस्टमर के लिए ये फैसिलिटी है कि एक आपको अलग कमरा दिया जाएगा। अगर आपकी शोरूम से पहले से बात हो चुकी है तो ये आपको एयरपोर्ट या ट्रेन स्टेशन से पिकअप भी कर सकते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अंदर आते ही आपको इस प्रकार का कमरा दे दिया जाएगा जिसमें ये फ़ोटो बूथ है, यहाँ पर आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर टेबल बना हुआ है जहाँ पे 4-6 आदमी बैठ के काम कर सकते हैं। इसके साथ में आप देखिए फल वगैरह रखे हैं, पानी रखा है, तो आप खा पी सकते हैं। अगर आप खुद का कुछ नाश्ता वगैरह लेके आए हैं, जैसे हम इंडियंस लेके आते हैं, तो यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। स्टेशनरी का पूरा सामान पड़ा है, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है, वाईफाई है, तो आप बैठ के आपका काम यहाँ कर सकते हैं। इस शोरूम का एरिया है 1,30,000 स्क्वायर फीट। यहाँ पर 4,000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज और सप्लायर्स ने अपने बूथ बनाए, और एक ही छत के नीचे आपको 2,50,000 से भी ज़्यादा खिलौने देखने मिलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। जैसे आप शोरूम में घूम रहे हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे उठाइए, उसके पीछे बारकोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके उसी वक्त ये जो शोरूम के सेल स्टाफ है वो आपको उसकी कीमत बता देंगे। आपको जो चीज़ पसंद आती है उसे ट्रॉली में डाल दीजिए, जैसे सुपरमार्केट में ट्रॉली होती है वैसी ट्रॉली लेके आप चलते हैं, उसमें डाल दीजिए और घूमते जाइए। आपको कोई टॉय पसंद आ गया और उसकी कीमत भी आपको पता है, अब अगर इस टॉय को आप होलसेल में ख़रीदना चाहते हैं तो फैक्ट्री या सप्लायर को कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए।
ये टॉय शोरूम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं कि सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मानो कि ये 365 दिन का परमानेंट टॉयज़ का एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये जो आप बूथ देख रहे हैं या सामने शेल्फ देख रहे हैं, इसको ये शोरूम वाले भाड़े पे देते हैं और ये जो सप्लायर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये टॉय शोरूम आपको यानी कि कस्टमर को एक भी पैसा चार्ज नहीं करते, ऊपर से इतनी सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त में देते हैं। इस शोरूम का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ये बूथ या शेल्फ का भाड़ा है जो कि वो फैक्ट्रीज को चार्ज करते हैं। इस शोरूम में ऐसे 8,500 से भी ज़्यादा बूथ और शेल्फ लगे हुए हैं। आइए तो आगे चलते हैं और कुछ और टॉयज़ की प्राइस चेक करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर टॉय है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसकी कीमत है 27.5 रेमिनबी यानी कि तकरीबन 275 रुपए। दोस्तों आप ये जो प्राइस देख रहे हैं ये प्राइस एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो लोकल खर्चा होगा और आपके एजेंट को जो कमीशन देना पड़ेगा वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा, और उसके बाद आपको फ्रेट भी देना पड़ेगा। जैसे कंटेनर आपका यहाँ से निकलता है तो बम्बई या दिल्ली या चेन्नई जहाँ भी कंटेनर जाएगा वो कंटेनर का भाड़ा और इंडिया का जो इंपोर्ट का खर्चा होगा वो भी उसके ऊपर लगेगा। देखिए इस टॉय की कीमत है रेमिनबी 5.2 यानी इंडिया का 52 रुपया। इस शोरूम में 3 फ्लोर हैं और आप सभी फ्लोर और सभी गली जो है देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। और अगर बैठ के आपको उसकी प्राइस देखनी है, पैकिंग वगैरह भी देखना है, अगर ठीक तरीके से मार्केट स्टडी करना है तो पूरा दिन भी लग सकता है। ये जो किचन सेट है इसकी कीमत है रेमिनबी 17.2 यानी कि 172 रुपए। ये डिज्नी के बहुत ही पॉपुलर टॉय फ्रोजन की कॉपी है और इसकी कीमत है 175 रुपये। इस रिमोट कंट्रोल कार की कीमत है रेमिनबी 6.2 यानी कि 62 रुपये। अब आप अमेजोन वेबसाइट पे या फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं कि ये सिमिलर कार की कीमत कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना में क्या प्राइस मिलती है और जब ये इंडिया में बेचते हैं तो क्या कीमत में बेचते हैं। ये देखिए ये टॉय कार भी बहुत पॉपुलर है, काफी बड़ी क्वांटिटी में ये बिकती है और इसकी कीमत है 12 कोड स्कैन करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, ये लड़की जो है ये नहीं है, इसको स्कैन करना आता नहीं है। तो इसके साथ जो दूसरी लड़की थी जो ट्रेनिंग दे रही थी उसने अच्छी तरीके से प्राइस निकाली। इसकी प्राइस है 59.9 रेमिनबी यानी कि 600 रुपए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी वैरायटी है, आप जो चाहें वो खिलौने यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ऐसा मैंने पहले आपको बताया कि शांताओ में 12,000 से भी ज़्यादा फैक्ट्री हैं, तो इस शोरूम में जब आते हैं तो आपको सिमिलर टॉयज बहुत सारे देखने मिलेंगे, मगर हर एक की फिनिश अलग है, हर एक की पैकिंग अलग है और उसके हिसाब से उसकी कीमत भी अलग अलग होती है।
तो आपको पर्सनली घूम के ये देखना बहुत जरूरी होता है। इस गिटार की कीमत है 175 रुपये। मैं सुबह बहुत जल्दी आ गया था यहाँ पे, शायद मैं पहला ही कस्टमर था आज के दिन का। ये शोरूम जो है वो रात को 9 बजे तक खुला रहता है और दोपहर के बाद काफ़ी कस्टमर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। चाइना के इन होलसेल मार्केट्स में मैंने देखा है कि ज़्यादातर कस्टमर्स आते हैं वो इंडिया या उसके आसपास के मुल्कों से आते हैं, या तो फिर मिडल ईस्ट से आते हैं या अफ्रीका से ज़्यादा आते हैं। मैंने बहुत ही कम कस्टमर्स देखे हैं जो कि अमेरिका या यूरोप से यहाँ होलसेल मार्केट में आते हों। इसकी कीमत है रेमिनबी 6 यानी कि 60 रुपए। आइए इस माइक्रोस्कोप की कीमत देखते हैं। इसकी कीमत है रेमिनबी 28.6 यानी कि 286 रुपए। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी खिलौना आपको पसंद है या आप जिसमें डील करते हैं या आपके शोरूम में या दुकान में जो खिलौने अक्सर बिकते हैं, आप उनकी कीमत यहाँ पे जान सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। ये रोबोट भी काफी पॉपुलर है, तो ये देखते हैं इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है रेमिनबी 110 यानी कि 1100 रुपए। और ये रहा इसका पैकिंग। और ये दूसरा वाला जो है इसकी कीमत भी वही है 1100 रुपए। अगर आप चल चल के थक गए हैं तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं, या तो दूसरे फ्लोर पे जाने के पहले आपने जो ट्रॉली में सैंपल्स इकट्ठे किए हैं उसको एक बार फिर से देख सकते हैं, थोड़ा आपको ब्रेक मिल जाएगा। यहाँ पे ये लोग चाय और सॉफ्ट ड्रिंक भी सर्व करते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर आगे चलते हैं। आइए चलते हैं हॉल के उस तरफ और देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के खिलौने रखे हैं। और ये देखिए फ्लोर पे पियानो है, इसके ऊपर आप चलेंगे तो ये म्यूजिक प्ले करेगा। ये काफी शॉपिंग मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, ये आइटम बहुत पॉपुलर है। और इसकी कीमत है रेमिनबी 175 यानी 1750 रुपए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शोरूम काफ़ी बड़ा है। ये देखिए कितनी लेन्स बनी हुई हैं, और अगर आप हर एक लेन में जाके अगर देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पूरा एक दिन भी आपको कम पड़ेगा। तो जैसे आपने नज़र डाली, आपको लगता है कि इस लेन में मेरी लाइन का कोई टॉय है, तो आप अंदर चले जाइए और देखिए, वरना काफ़ी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो वो बार बार उसी को देखने का कोई मतलब नहीं है,
और ऐसे शांताओं में बहुत सारे और भी शोरूम हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री वाला इसी शोरूम में आता हो, तो आपका जो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें आप जाके और शोरूम भी देख सकते हैं। ये देखिए हॉट व्हील ब्रांड्स की कार है, ये आपने इंडिया में ज़रूर देखी होगी। ये सारी ब्रांडेड टॉयज़ हैं और इसको जो ऑफिशियल लाइसेंसी है वही इंपोर्ट कर सकता है। चाइना में कॉपीज़ भी मिलती हैं, चाइना में आपको ओरिजिनल भी बना के दे सकते हैं, मगर इसको आप लीगली इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, आपकी कस्टम का जो क्लियरेंस करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि आप लीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो कंपनी सिर्फ कर सकती है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फरारी की टॉयज़ हैं, ये फरारी ब्रांड भी जो है ये लाइसेंस पे चलता है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपके पास लाइसेंस ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसकी कीमत क्या है। और इस कार की कीमत है रेमिनबी 149.5, यानी कि 1500 रुपये। और ये रहा उसका बॉक्स, इसके ऊपर फरारी का ऑफिशियल लोगो लगा हुआ है। और देखिए इस ड्रोन की कीमत है 110 RMB, यानी कि 1100 रुपये। इसमें वाईफाई है और 4 एक्सिस रिमोट कंट्रोल भी है। साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है प्राइस, छोटे वाले और सस्ते मिल जाएंगे आपको। आइए देखते हैं इस राइड ऑन कार की कीमत कितनी है। इसकी कीमत है रेमनबी 468, यानी कि 4680 रुपये। और इसकी कीमत है 428 RMB, यानी 4280 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से चाइना में आप टॉयज की शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपको जो पसंद आता है वो इस ट्रॉली में डालते जाइए। खैर आप यहाँ से एक एक पीस तो खरीद नहीं सकते हैं, ये सिर्फ सैंपल हैं जो कि आपको रिव्यू के लिए दिए जाते हैं और आप फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं। आप एक एक पीस यहाँ से खरीद नहीं सकते हैं। इस टॉय को खरीदने के लिए आपको फैक्ट्री या होलसेलर को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाइना में टॉयज खरीद सकते हैं। आप चाहे तो एक बार फिर अपनी ट्रॉली में रखे हुए सैंपल्स को रिव्यू कर सकते हैं, और जब तक आप रिव्यू कर रहे हैं उतनी देर में शोरूम वाले आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे देंगे। इसमें आपको टॉय की फोटो, साइज, डिस्क्रिप्शन और पैकिंग की डिटेल भी मिल जाएगी। और हाँ, इस लिस्ट में उस टॉय के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर का नाम और नंबर भी होगा। कुछ इस टाइप का प्रिंटआउट आपको मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाती, तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको लोकल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको ये टॉयज़ खरीदने में मदद कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।